मैंने उसे देखा, वो दरवाजे के पीछे ही खड़ी थी। मेरी तो सांसें रुक गई थी। ये क्या बकवास सुना रहे हो? तुम भी जानते हो कहानी झूठ है। तुमको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ये कहानी सच्ची है, ये कहानी मेरी है। तुम सब डेविल को जानते हो? हाँ, वही रोमन भाई वाला है ना, वो जमीन के नीचे रहता है, लोगों को मारता है। यहाँ इसी दुनिया में रहता है, नॉर्मल बॉय है, कॉलेज जाता है, एक रेड कलर की बाइक चलाता है। और हाँ, एक बात तुम्हें बताना भूल ही गया, डेविल हद से ज्यादा रूड है। चलो मैं इस कहानी को बिल्कुल एक कहानी की तरह सुनाता हूँ, ऐसे नहीं जैसे मेरे साथ बीत चुका है। चलो वंस अपॉन ए टाइम से शुरू करते हैं। मगर उस कॉलेज में एक और लड़का था जो डेविल का काम कर रहा था। अगली बार मेरा नाम सुनने से पहले ना की आदत डाल लेना। ये स्टोरी फिल्मी तब होती है जब होता है डेविल और उस लड़के। उस लड़के ने उस कमज़ोर लड़के को बहुत डराया, बहुत सताया और वो काम किया जो डेविल का था। भैया, भगवान देगा आपको सजा। भगवान? भगवान तो बिजी है लोगों की लॉटरी पर सुनने में, लेकिन मैं तो फ्री हूँ। डेविल वो तो बुरा इंसान होना चाहिए ना, फिर वो अच्छाई को क्यों मचा रहे हैं? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, डेविल कोई हीरो नहीं है। वो अच्छाई को नहीं बचाता, वो सिर्फ बुराई को ख़त्म करता है ताकि वो सबसे बड़ा विलन रह सके। हर दिन की तरह वो लड़का घर जाता है, रात को सोने के लिए अपने बेडरूम में जाता है, लाइट्स ऑफ करता है, अपने फ़ोन को चार्ज करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके रूम में आ चुका था डेविल और उसके रूम को उसने डेविल्स केज बना दिया था। कुछ देर बाद वो उठता है, टाइम देखता है, 12 बजे हैं और वॉशरूम जाता है। वॉशरूम से आने के बाद वो ये देखकर चौंक जाता है कि टाइम तो बढ़ा ही नहीं था, तब भी 12 ही था। वो तुरंत चौंक कर लाइट चलाता है। जैसे ही बाहर जाता है उसके फ़ोन में बिना नेटवर्क मैसेज आता है कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखना क्योंकि वहाँ से खून ही आने वाला है। तुरंत पढ़ के बाथरूम चेक करता है और जैसे ही बाहर जाता है बाहर जा ही नहीं पाता। Thank you.
पागल सा हो गया था। तभी उसकी नजर पड़ी। कौन बोल रहा है? मैं जरा तुमसे बुरा सा, लेकिन लोग मुझे डेविल कहते हैं। तू कितना बेवकूफ है। तक नहीं समझा? तू मेरे मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं जा सकता। लेकिन मैं हूँ कहाँ? मैं तो सालों से अपने घर पर रह रहा हूँ। अपने घर कोई नहीं पहचान रहा है। जंजीर ना कोई बेड़ी ना वक्त पे कोई बात, सब तो आजाद है। फिर भी मैं इसे डेविल स्केच करता हूँ। कर रहे हो? सोचा है कितने लोग डरते हैं तुझसे? कभी सोचा है कितने लोग तुझे देख के अपना रास्ता बदल लेते हैं? कभी सोचा है कितने लोगों से तूने उनका आजादी से जीने का हक छीन लिया है? मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं है, लेकिन इनके दिल पे खौफ लाने का हक सिर्फ मेरा है। और तूने मेरा हक छीना। जो मेरा हक छीनता है मैं उसकी जिंदगी छीन लेता। मैं सच कहता हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, बिल्कुल सुधर जाऊंगा। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जा, तुझे दिया मौका। 3 मिनट के लिए सब पहले जैसा होगा। बस एक चेंज होगा, मैं तेरी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर चुका हूँ और तू पुलिस को कॉल करेगा और कहेगा मर्डर तूने किया और इंसानों के कानून के हिसाब से जेल जाएगा। ताकि तुझसे डरने वालों के दिलों से तेरा डर खत्म हो जाए। सोच ले, या तो ये मर्डर होने दे या मैं तुझे हमेशा के लिए वहीं छोड़ देता हूँ। समय शुरू होता है अब। खुद को उस जगह वापस पाकर जहाँ से वक्त रुका था, उस लड़के ने सोचा कि ये एक सपना था और वो बहुत खुश हो गया। उसने बाहर जाके एक सुकून की सांस ली। वापस सोने के लिए अपने रूम गया, लेकिन तब उसे अंदाजा हुआ कि ये कोई सपना नहीं था। उसने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया, तो फोन नहीं उठा रही थी। अंत में उसने पुलिस को कॉल करने का ही फैसला लिया और पुलिस को सब कन्फेस किया, लेकिन पुलिस स्टेशन की आवाज में उसने पाया। क्या मैं तुझे कोई शरीफ इंसान लगता हूँ जो अपनी कही बात को निभाऊंगा? ना ही मैं इंसान हूँ और शरीफ दूर की बात। चाहते क्या हो तुम? मैं क्या कुछ चाहूंगा, मेरे पास तो सब कुछ है। चल ठीक है, वो 3 मिनट वाला गेम फिर से खेलते हैं। रूल्स तू जानता ही है, मैं मर्डर करूंगा और तू कन्फेस करेगा। इस बार जब उस लड़के की आँख खुली, उसने सबसे पहले पुलिस को कन्फेस किया और पुलिस का इंतजार किया। तभी फोन बजा। बस एक आखिरी बात कहनी थी, अपने इंसान दोस्तों को कहना कि सुधर जाए, वरना मैं फ्री ही बैठा हूँ। तीस जुलाई की रात को उस लड़के की गर्लफ्रेंड का मर्डर हो चुका था और पुलिस को मर्डर वेपन पर उस लड़की की एविडेंस मिली। एक मिनट, इस कहानी के हिसाब से तो आप जेल में होने चाहिए थे। अरे, कहाँ चल दिए? अच्छा, जाते एक बात तो बताते जाओ कि अगर आप डेविल्स केज में थे तो आपको कैसे पता लगा कि डेविल ने कपड़े कैसे पहने थे?
तो इस कहानी को पूरा गलत समझा है। नॉर्मल बॉय है, कॉलेज जाता है, एक रेड कलर की बाइक चलाता है, अक्सर डार्क कलर के कपड़े पहनता है जिसमें कोई पावरफुल एनिमल प्रिंटेड हो। मैंने कहा था ये मेरी कहानी है, मैंने ये नहीं कहा था मैं उस रूम में था। तू अब तक नहीं समझा? मैं ही डेविल।